प्रेम पाई चित्रपतला नदी को डेले युवक ए जाए युवकों पत्ता मिली पारि नथिबा बेले अग्निशम बाहिनी 6 घंटा रु अधिक समय हेलाणी खोजाखोजी करुछि। सेपटे परिवार लोकों कांद बबाड़ी रे फाटी पड़ुछि गां। कटक जिला किशननगर थाना महाड़फांडी अधीनस्थ महम्मदपुर गाँव में शोकाकूल परिवेश। गाँव बारंबर पात्र 34 वर्षीय पुओर एमती चरम निष्पत्ति को हतबाक पूरा परिवार। रागरी ग्रामर जनैक युवती विरोध में करुछंती विषोदगार। दीर्घ 15 वर्ष धरी गाँव जने युवती से प्रेम करुथिले। प्रेमिका को खुशी करने को बहु अर्थ खर्च कर उभय परस्पर को विवाह करने को मध्य शपथ करते हेले युवती एक चाकरी करने आउ नीलमणि को धरा छुआ दे नथिले जहाँ नहीं 6 मास हेब मानसिक स्तर में भांगी पड़ते नीलमणि और शुक्रवार एमती एक चरम पदक्षेप नहीं पर लोके अभियोग कर गोटे झील को राजी राजी से पैसा पत्र भगवत दिया बहुत पूरी जीव आपको कर चाकरी पर फोन डाकिला गले फोनी बुली बाली आईले लजे नीलमणि पात्र झील ना मोर मन रहने मन सिंह दत्तपुर नरेन्द्र घर पाखे आज पांचटा बेले हा ना डा खोज थाना करना कि लव केस था सी 15 वर्ष लव कर मनसुनी दत्त को घर महम्मदपुर मझी साई असुविधा सी दादा सब पैसा मागे दादा दिखती 15,000 20,000 जहाँ दरकार मागती दिखती पाइला चाकरी होगा कलपटना सी दादा को मना करदे कि तुमको मैरेज करी आम प्रस्ताव जो जीव सी कहे आई हेनी बाबू मना करपा मना करें कर आम किशनगर जाइलु थाना एफआईआर देखिए आस दोषी की दंड मिलू दादा को न्याय मिलू ये 5 सकाल भोर 5 जानले लव केस सब मेसेज लिखी छाड़ सी समझ को छाड़ से झील ना फोन सब लिखी छाड़ फोटो छाड़ मरिया पचर दायी बोली से झीर लिखी छाड़ मो नाम ना सुमित्रा पात्र से घटना है कौन से झील से पुह सबुदिन संपर्क थिला सबुदिन संपर्क थिला एबे संपर्क अच्छी मना कर पैसा धन देख लोभ हो गला लोभ हो गला चाकरी पाई गला कह तुम मोर कि नुह से झील ना हूँ रिंकू से झील ना रिंकू धन पाइला आउ के भूली जाऊँ सब कौच मोर कि दरकार ना मु तुम कि नुह मु तुमको आउ भल पाए ना एमती मिछ सत कथा कहला मिछ सत कथा कह आत्महत्या कला मो भाई टंका खाई आमर जिते बड़े 5 मागे 10 मागे 20 मागे 50 मागे जहाँ मागे ता मो भाई देना देकर आज मुह पाई बोली से कह ते भल पाए ना से चाकरी एवं कौट कलपान चाकरी करी चाकरी कर मुह पाई मो भाई भल पाइलानी 15 वर्ष होगा से भल पाई भल पाई एवं मना कर बुली बुली हाँ से बुली बुल का पगल कर देखर पगल कर दे 6 मस से किसी कम करम करूनी जहाँ पचारे भी किसी कहूनी से आत्महत्या करदेला। नीलमणि ह्वाट्सअप नंबर रु मेसेज कर निज मृत्यु संपर्क में जन एसह बापा माँ को क्षमा मागिंट से कथा नशुनी रिंकी को भलपाई
ଭୁଲ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୀଳମଣି। ଏବେ ପରିବାରବର୍ଗ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ଝିଅ ଦାୟୀ ରହିବ କହିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।